IAS versus IPS officers. इन ढेरों लोगों ने इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट की है, पता नहीं ध्यान क्यों नहीं गया इस टॉपिक पर। IAS IPS दोनों प्रेस्टीजियस गवर्नमेंट जॉब्स हैं सिविल सर्विसेज कैटेगरी में। IAS की ट्रेनिंग होती है मसूरी में, उत्तराखंड में। IPS की ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में। IAS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, IPS क्राइम प्रिवेंशन देखता है। IAS की पोस्टिंग मिनिस्ट्रीज में होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होती है। IPS की होती है पुलिस डिपार्टमेंट में। IAS सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में सबसे टॉप की पोजीशन होती है। IPS की रैंकिंग सेकंड है IAS के बाद। दोनों के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। दोनों के लिए मिनिमम एज है 21, मैक्सिमम 32। इंटरव्यू में इन टॉपिक्स पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। IAS की तैयारी में आपको करीब 1 साल लगता है, रोज की पढ़ाई कम से कम 12 घंटे की। दोनों में मिलती है जॉब सिक्योरिटी, घर, गाड़ी, नौकर, बिजली, पानी, सिक्योरिटी गार्ड्स, दोनों की सैलरी एक जैसी, IAS की थोड़ी ज्यादा। पॉलिटिशियंस कानून पास करते हैं, देश ये दोनों चलाते हैं। NDO versus CDS, इस टॉपिक के लिए इन लोगों ने रिक्वेस्ट की है। इन दोनों के एग्जाम्स होते हैं साल में 2 बार। NDA का रिटन एग्जाम मुश्किल, CDS का आसान। गलत कर रहे हो या कर चुके हो, NDA का एग्जाम दो। ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो तो CDS का दो। गर्ल्स भी डिफेंस के दोनों एग्जाम दे सकती हैं। दुर्भाग्य से ये दोनों नौकरियां मेन और वीमेन के लिए हैं, तीसरे जेंडर के लिए नहीं। NDA के लिए एज चाहिए 16 से 20, CDS के लिए 19 से 25। NDA में आपको BSc BTech की डिग्री मिलती है, CDS में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलता है। CDS ऑफिसर ज्वाइन करने में बनता है लेफ्टिनेंट, 2 साल बाद कैप्टन, 6 साल बाद मेजर, 13 साल बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, 15 साल बाद कर्नल, 23 साल बाद ब्रिगेडियर, 25 साल बाद मेजर जनरल, 28 साल बाद लेफ्टिनेंट जनरल। सबसे ऊंचा पद है जनरल, जो कोई भी बन सकता है, बस टैलेंट होना चाहिए। सैलरी कम से कम 56,100 मंथली, ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख मंथली। कुछ लोग देश प्रेम में ज्वाइन करते हैं तो कुछ सैलरी के लिए, पोजीशन के लिए। आपके मन में क्या है? UPSC versus SSC, इस टॉपिक के लिए ये रिक्वेस्ट आई हैं। ये दोनों गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स हैं। UPSC एग्जाम कराता है सिविल सर्विसेज के लिए, SSC के एग्जाम्स होते हैं गजेटेड एंड नॉन गजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। UPSC से आप ग्रुप ए ऑफिसर बनते हो, SSC से आप ग्रुप बी ऑफिसर बनते हो। सैलरी किसकी ज्यादा? UPSC की पोस्ट ऊंची तो सैलरी ऊंची, SSC की पोस्ट नीची तो सैलरी कम। UPSC की 3 स्टेजेस, पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। SSC में भी यही 3 स्टेजेस हैं, मगर ग्रुप सी पोस्ट में अब इंटरव्यू नहीं होते। UPSC के लिए एज लिमिट है 21 से 32, SSC के लिए 18 से 32। UPSC क्लियर करने पर आप IAS बन सकते हो, IPS बन सकते हो, IFS बन सकते हो, IT डिपार्टमेंट जा सकते हो, कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट जा सकते हो। SSC क्लियर करने पर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, दिल्ली पुलिस में, CBI में, BSF में, CRPF में, दोनों के लिस्ट स्क्रीन पर है। UPSC के एग्जाम बहुत मुश्किल मगर प्रमोशन जल्दी, SSC के एग्जाम्स आसान मगर प्रमोशन बहुत धीरे।